नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैहर के ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव की तानाशाही के मामले सामने आते रहते हैं। मैहर के ग्राम पंचायत जुडवानी के उप सरपंच पंच ने मैहर जिला कलेक्टर और एसडीएम को शिकायत सौंप आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से सरपंच सचिव पंचायत के किसी कार्य की जानकारी नहीं देते हैं। सहायक सचिव फर्जी मास्टर रोल बना राशि आहरित करते हैं। गांव के श्रमिकों की जगह जेसीबी से कार्य करवाया जाता है। पंचायत में हुए भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की मांग करने सभी पंच और उप सरपंच मैहर पहुंचे थे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ पत्र समेत पांच बिंदुओं में शिकायत सौंपी। एसडीएम मैहर ने जनपद सीईओ से जांच करवा दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। जुड़वानी ग्राम पंचायत के कुछ पंच आज आए थे। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होता है उसकी कोई सूचना नहीं जाती है। अधिकांश कार्य जेसीबी और ट्रैक्टर से किया जाता है, मजदूरों से कोई कार्य कराया नहीं जाता है। इस संबंध में जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है इनकी मैं सीईओ से जांच कराऊंगा, और यदि दोषी इसमें कोई कर्मचारी या कोई सरपंच दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई होगी। आज यहाँ आप लोग शिकायत देने आए हैं, क्या मामला? मैं ग्राम पंचायत जुड़वाई से वार्ड क्रमांक 5 से पंच शारदा प्रसाद तिवारी हूँ। मैं यहाँ पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आया था। पंचायत में तालाब का काम जेसीबी से हुआ है, नाली का काम जेसीबी से हुआ है, मजदूर नहीं लगाया गया। पंचायत में मनमौजी सरपंच सिकेटी द्वारा चलाया जा रहा है। खेत मैदान का काम कराया गया, उसमें भी जो है तो जेसीबी से काम कराया गया है। स्टाफ डेम में आंगनबाड़ी में घटिया काम मेरे द्वारा 181 भी किया गया था, लेकिन उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। पंचायत में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इसके जांच के लिए मैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें पंचायती राज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।